हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम शारदा मंडलेकर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एट एक्सरसाइज 6.G ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट ए. ओके, सो लुक एट हियर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए में हमें क्या करना है? यूज रिपीटेड एडिशन मेथड. एडिशन मेथड हमें यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके, एडिशन मेथड, एडिशन दैट मीन्स प्लस. ओके, सो अब हम उस मेथड का यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आप देखिए. ये क्या है? 5 मल्टीप्लीकेशन 1 अपॉन 8. ओके, 5 मल्टीप्लीकेशन 1, 5 का मल्टीप्लीकेशन है न्यूमरेटर में. ओके, एंड डिनोमिनेटर में भी. सॉरी बट यहाँ डिनोमिनेटर में. ओके, देन अब हमें 5 टाइम्स नोट करना है 1 अपॉन 8. ओके, 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8. 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हो गया. इसे अब हम कैसे नोट कर सकते हैं? 8 डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है, सो 1 टाइम्स नोट करेंगे. देन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5. ओके, तो ये क्या होगा हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 अपॉन 8. ये क्या आंसर आएगा? 5 अपॉन 8. ओके, एंड अगर हम इस फॉर्म में भी मल्टीप्लीकेशन करके 1 अपॉन 8 करेंगे, तो 5 मल्टीप्लीकेशन 1 होगा. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है. ओके, सो 5 मल्टीप्लीकेशन 1 अपॉन 1 मल्टीप्लीकेशन 8 इज इक्वल टू 5 अपॉन 8 ही आएगा. तो एडिशन मेथड में हम इस प्रकार करके आंसर लाएंगे. ओके, सो दिस इज आंसर. सो टेक अ स्क्रीनशॉट. एंड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर डी भी देख लीजिए आप. क्वेश्चन नंबर डी में है 9 टाइम्स 1 अपॉन 5. सॉल्यूशन आप देखेंगे, 9 मल्टीप्लीकेशन 1 अपॉन 5, ये नोट करेंगे हम. सो 1 अपॉन 5 प्लस 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 1 अपॉन 5. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टाइम्स नोट हो गए. ओके, देन अब हम डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 5 आएगा. देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 अपॉन 5, ये क्या आएगा हमारा आंसर? ओके, सो टाइप का स्क्रीन पास. देन स्टूडेंट्स, आई एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर सेकेंड. फाइंड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में हमें गिवन है, उसे हमें सॉल्व करना है. ये हमें सॉल्व है, सॉल्यूशन करना है. 5 मल्टीप्लीकेशन 4 अपॉन 5. अगर हम इसे इस मेथड, फर्स्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड देखिए आप. फर्स्ट मेथड में 5 मल्टीप्लीकेशन 4 अपॉन 5, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1. देन आगे हम क्या करते थे? 5 मल्टीप्लीकेशन 4 अपॉन 1 मल्टीप्लीकेशन 4 इज इक्वल टू 5 4 जा 20 अपॉन 5. क्या आएगा आंसर हमारा? 4 आएगा. ओके, देन इस मेथड, सेकंड मेथड में आप देखेंगे 5 मल्टीप्लीकेशन 4 अपॉन 5, ये है. सो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सेपरेट मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं. अगर हम सेपरेट मल्टीप्लीकेशन से करेंगे, तो आंसर इस प्रकार करना होगा. एंड अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करेंगे, सो 5 से 5 कैंसिल, देन इज इक्वल टू 4. ये क्या है आंसर? ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट. एंड आपको जो मेथड आपको इजी लगे, आप उससे करिए. सेकंड नंबर क्वेश्चन आप इस प्रकार सॉल्व करेंगे.
देन स्टूडेंट्स आई एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड ए देखिए आप, 4/5 मल्टीप्लीकेशन 24/5. इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या सेपरेट मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, बट हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वो हमारे लिए इजी होगा. ओके, सो लुक एट हियर, 4/5 मल्टीप्लीकेशन 25/4. 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 times 50 कैंसिल, सो 5 इज आंसर. छोटा का स्क्रीनशॉट. इसी का आप क्वेश्चन नंबर देखिए एच, 3 का एच नंबर क्वेश्चन. थ्री का आप एच नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, 5/8 मल्टीप्लीकेशन 6/11 मल्टीप्लीकेशन 4/3 सॉल्यूशन. 5/8 मल्टीप्लीकेशन 6/11. फर्स्टली हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 वैल्यू को. फर्स्टली ये 2 वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5/8 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर रहे हैं. सो 2 4 जाए 2 3 जाए 6. ओके, देन डिनोमिनेटर की वैल्यू का डिनोमिनेटर की वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन, देन न्यूमरेटर की वैल्यू का न्यूमरेटर की वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन, इज इक्वल टू 5 3 15 एंड 44. अब मल्टीप्लीकेशन 4/3. ओके, इसके आगे मैं यहाँ नोट कर रही हूँ, आप इसके नीचे नोट करेंगे. ओके, सो क्या आया, 15/44 मल्टीप्लीकेशन 4/3. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 4 1 4 4 1 4 3 1 3 3 5 15. देन 5 मल्टीप्लीकेशन 1/11 मल्टीप्लीकेशन 1 इज इक्वल टू 5/11. ये क्या होगा आंसर. छोटा का स्क्रीन शॉट. देन स्टूडेंट्स आई एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर जी. क्वेश्चन नंबर जी का सॉल्यूशन देख लीजिए आप, किस प्रकार करेंगे. टू ऑफ इसमें आप देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों है. सो अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके आंसर को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन. ओके, है 2 1/3. फर्स्टली हम क्वेश्चन को एज इट इज नोट करेंगे, इसे आप रफ में करेंगे 3 2 6 7, 4 2 8 9 10 11. तो ये क्या है, 7/3 मल्टीप्लीकेशन 11/2 मल्टीप्लीकेशन 1/3. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा अब देखिए. ये इन दोनों का न्यूमरेटर की वैल्यू, न्यूमरेटर की वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन की हमने एक स्टेप यहाँ पर और आ जाएगी. यहाँ 7 मल्टीप्लीकेशन 11/3 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 1/3. ओके, देन अब हम न्यूमरेटर की वैल्यू से न्यूमरेटर की वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर की वैल्यू का डिनोमिनेटर की वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन. 6 3 जा, तो अब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे आप देखिए, 18/17
सो 4 टाइम्स नोट करेंगे, 72 माइनस 7 माइनस 2 5, ओके। सो क्या होगा देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 18 आएगा, न्यूमरेटर में 5 एंड हेयर क्वार्टेंट 4। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड ऐड करेंगे तो 77 ही आएगा, ओके। लगा दिया था दरवाजे फूक ना मारे, दो आधार कर दिया वहाँ पर तो इसको कैसे फूक कर, कुछ ही नहीं है। छोटा का स्क्रीनशॉट क्या मालूम, इसका आसपास का लाल है ना, इसलिए कवर इसलिए लाल दिया है। So students, then I explain question number fourth. Question number fourth का first number का questions आप देखेंगे। So students, look at here. 8 to 12 upon 17 by की ये है 17 upon 1, okay? Numerator में कुछ नहीं दिया है, so हमने यहाँ पर 1 नोट कर लिया, okay? अगर न्यूमरेटर की वैल्यू गिवन होती है सो आप नीचे 1 नहीं नोट करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू नोट करेंगे, ओके। डिनोमिनेटर में यहाँ पर कुछ नहीं दिया है सो हमने 1 नोट कर लिया। देन अब हम इसे फाइंड करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, सो 17 मल्टीप्लीकेशन 8 प्लस 12 148 अपॉन 17 मल्टीप्लीकेशन 17 अपॉन 1, ओके। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज हो जाएगा, 17 17 कैंसिल इज इक्वल टू 148 क्या जाएगा आंसर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यों हुआ, क्योंकि ये सेम वैल्यू थी सो ये कट जाएगी, ओके, कैंसिल हो जाएगी। सो टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल एज अदर क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे वो आप हमें बता सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज योर होमवर्क एक्सरसाइज 6G के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के 1-1 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, अदर्स क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ओके। जो पेज नंबर 81 एंड 82 में गिवन है इन योर मैथमेटिक्स बुक, ओके। थैंक यू।